नमस्ते, मैं दीपक आज आपके साथ शामिल होने आपके बीच आया मैं आया हूँ। और आज मैं आपको कुछ लोगों ने यह कमेंट किया था कि चाटी जो है ढोलक का वो नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आज चाटी बताऊंगा कि चाटी कैसे बजता है। चाटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हो गया अचानक, ये जो है ये मैं बताऊं। इसमें क्या होता है कि ये सुर जो है इतना भाग हमारा अंदर रहता है, ये एक उंगली ऊपर में रहेगा, ये तीन उंगली सटा हुआ रहेगा, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, ये मारना, ये जो है ये इस टाइप से मारते हैं। इसमें हवा जो है ना, हवा का दबाव करते हैं तो ये चट जैसे आवाज करता है, टाक। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अब ये आपको हो सकता है ऐसे ये लगे तो ये आपको सटा के इसका प्रैक्टिस करना होगा। ये मूवमेंट, ये यहाँ ऐसे हाथ है, ये सटना चाहिए, ये पर फिर से देखिए, ये मेरा ये फिंगर नहीं सट रहा है, ये सट रहा है, ये तीन फिंगर सट रहा है, हाँ, इससे ढेते धीनाधीन ढेते धीनाधीन, ये खेमटा का बोल है और ये 12 मात्रे का बोल होता है। ये आप दादरा 6 मात्रे के बोल में यूज कर सकते हैं, जब गाना जब लास्ट होता है, फास्ट होता है, या कोई ऐसा म्यूजिक बजता है तो उसमें हम यूज करते हैं इसको। हाँ, ढेते धीनाधीन ढेते धीनाधीन, मकसद ये है कि आप चाटी के बारे में हमको कुछ लोग बोले थे, तो ये चाटी में हमको बताना था। और ये जो है ये इस टाइप से लगना चाहिए, ये आप ये प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस खूब इसको इस तरह से रख लीजिए और खूब इसको खूब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस कीजिए इसको और बोल को पूरा बजाइए, ढेते धीनाधीन ढेते धीनाधीन इस बोल को बजाइए, केमटा का बोल है, और नहीं होता तो आप लिख लीजिए ढेते धीनाधीन ढेते धीनाधीन। मैं इसको पूरा बजा रहा हूँ, तेज जो हम मारते हैं ना, आपको पता होगा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ते इससे हम लोग यूज करते हैं, ये ते 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 ते, ते इसको यूज करना, साफ इसको मारना है, ये आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, चाहे जैसे भी आप कीजिए तो अभी ये बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। देखिए सॉरी बजा देखिए, ये भिन्ना भिन्न भिन्ना भिन्न भिन्न में लास्ट में ये पड़ेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस फिंगर से मारना है, मिडिल फिंगर से।
आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको आ जाएगा। और इसको हड़बड़ा कर नहीं करना, चाहे जितना देर लगे इसको। ये इन इन, ये जो इन जो है ना, ये इस आस दिखना चाहिए। इन इन इस फिंगर से मारना है, ये सब फिंगर यूज नहीं करना, सिर्फ ये फिंगर। देखिए एक ही बार लग रहा है, ठीक है, दूसरा बार नहीं लग रहा है। ये आपको ऐसे आप कर सकते हैं, ये डबल मारना, ये हल्का सट रहा है, ये है ना, 1 2 3। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये आपके सहूलियत के हिसाब से आप कैसे करना, करने में आपको आसानी हो रही है आप कर सकते हैं। इससे भी, इससे भी, इससे भी हम कर रहे हैं और इससे भी कर रहे हैं। आप जिस जैसे आप बजा सकते हैं अच्छी तरह से, मेन बोल होता है, बोल आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। या आप कोई सा प्रैक्टिस कर, वन टू थ्री, ये हल्का टच होगा, ये चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना, हल्का हल्का इसको यूज कीजिए। बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। मैं इसका बोल मैं लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा। और मैं आशा करता हूँ आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा के, ताकि दूसरे लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। और थोड़ा बहुत फीस सीख जाए तो मेरे लिए बहुत है।